तो चलिए हम बात करते हैं ज्योति मैम से और जानेंगे कि यहाँ क्या करने हैं और क्या कर रहे हैं। ज्योति मैम, आपसे कुछ क्वेश्चन था, बताइएगा। आप यहाँ कहाँ हो आप, पहले ये बताइए। हम साइंस कॉलेज ग्राउंड में हैं। आज महारंगोली का आयोजन किया गया है मतदान के अवसर पर, तो हम रंगोली बना रहे हैं। देख सकते हैं हम मतदान करें कि रंगोली बनाए हैं। मतदान करें, अच्छा ये रंगोली किस वजह से हो रहा है कुछ बताइएगा। जी सर, हम सभी भारतवासियों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए महारंगोली का आयोजन किया गया है, ताकि सभी मतदान करें, अपने वोट का यूज करें और एक अच्छी सरकार बनाने में सभी मदद करें। तो भैया पहले देखो, पहले नज़ारा देख लो कि हम पहुँचे कहाँ हैं। ठीक है, तो भैया हम फाइनली बता दें कि हम फिलहाल के लिए बिलासपुर के जो साइंस कॉलेज है उसके साइंस कॉलेज का जो मैदान है फिलहाल के लिए वहाँ हैं, और आज है अपना रंगोली कंपटीशन। ठीक है, देखना चाहो तो यहाँ के नज़ारा देखो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। तो फिलहाल के लिए हम मिलते हैं अपने जितने भी छात्र अध्यापक अध्यापिका है दोनों से मिलते हैं और कुछ बात करते हैं कि कितने लोग आए हैं। अपना जो BTI है, ठीक है, जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कॉलेज का, सभी के सभी लोग आए हैं और फिलहाल के लिए रंगोली बना रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ साइंस कॉलेज जो है ना, वहाँ अपना जो डिस्ट्रिक्ट है अर्थात जो ज़िला है उसमें पूरे के पूरा रंगोली कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, अरेंजमेंट मतलब उसका मेन मोटिव यह है भैया कि आप देखो वोटिंग के लिए अवेयरनेस करना है और ये वोटिंग के अवेयरनेस के लिए आपको रंगोली बनाना है। ठीक है, तो उसी के लिए एक कॉम्पिटिशन चल रहा है पूरा कॉलेज स्कूल जितने भी NSS के कैंडिडेट हैं उनके लिए। तो फिलहाल के लिए हम बात करेंगे अपने जितने भी छात्र अध्यापक हैं उनसे और जानना चाहेंगे कि यार उनका रंगोली किस किस प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए जाकर मिलते हैं और बात करते हैं। A few moments later. प्रभा मैम, आप बताइए कि यहाँ रंगोली बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सर, लोगों अभी मतलब छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा है। हाँ। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने नेता का चुनाव करें, जिससे हमारा देश का संविधान मतलब लागू रहे और उस पर काम हो। अच्छा नेता का चुनाव करेंगे तो अच्छे तरीके से काम होगा, इसलिए इसके लिए वोट ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को वोट के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो जागरूकता फैलाने के लिए क्या आप रंगोली का कॉम्पिटिशन कर रहे हो। कॉम्पिटिशन नहीं सर, ये महारंगोली आयोजन किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रंगोली के माध्यम से लोगों को वोट किया जा सके। जितने मतलब कलरफुल चीज़ होते हैं, चटकली चीज़ होते हैं ना, उससे लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं नज़र चला जाता है। और रंग से ज़्यादा मतलब चटकदार चीज़ क्या होती है, इसीलिए रंगों का प्रयोग से लोगों को आकर्षित करके मतदान की तरफ मोड़ने के लिए ये हमारा एक कदम है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ आप ही के कॉलेज के लोग आए हैं कि बाकियों की कॉलेज की तरफ हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज के आए हैं, CMD के आए हैं, यहाँ हमारे BTI है और भी बहुत से कॉलेज हैं। बहुत से कॉलेज हैं। अच्छा, अभी के जो युवा वर्ग है जिसका एज 18 वर्ष से ऊपर है, तो उनके लिए कुछ वोट से रिलेटेड कुछ बोलना चाहोगे, कुछ रिक्वेस्ट या कुछ सजेशन। जी सर, वोट मतलब हमारे लिए ऐसा है ना कि देश गढ़ने का सबसे पहले लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिलता है कि हम अपने नेता से चुनाव कर सकते हैं, समय पड़ने पर उसे अगर उसका काम सही ना हो तो उसे हटा सकते हैं। इसीलिए वोट करने का अधिकार जो हमें मिला है, हमें उसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। 18 वर्ष में आप पूरी तरह मतलब जागरूक हो जाते हैं, आपका सोच विकसित हो जाता है कि कौन नेता आपके लिए काम करेगा, कैसी आपको सरकार चाहिए और किस ओर में हमें अपना लोकतंत्र अपने भारत देश को लेके जाना है। इसके लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, एक नेता की ज़रूरत होती है, जिसके चुनाव में हम सभी का मतलब हाथ होता है। और ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में हमने जन्म लिया, जहाँ पे लोकतंत्र का तंत्र चल रहा है और हमें लोकतंत्र के तहत वोट का अधिकार है, तो इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। सो लेट्स वोट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अच्छे ही सलाह दिए। और ये देखिए हमारा रंगोली जो अपने BTI वर्ग कॉलेज की, तो ये सिर्फ हमारे कॉलेज की ही नहीं बल्कि विभिन्न कॉलेज के अलग अलग आए हुए हैं। तो फाइनली हम BTI के जो छात्र अध्यापक हैं वो लोग आज है वोटिंग अवेयरनेस डे के लिए हम लोग आए हैं साइंस कॉलेज में, और साइंस कॉलेज में आने के पश्चात हम बनाए बहुत सारी रंगोलियाँ। ये जो लाइनिंग दिख रही है ना आपको पीछे में, वो सारे रंगोली हम BTI के छात्र अध्यापकों की है। क्योंकि देखिए 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने हैं, तो उसके लिए भैया आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चलाने होंगे और करने होंगे। तो इसलिए यहाँ पर भव्य तरीके से रंगोली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य यह था कि आपको वोटिंग के लिए अवेयरनेस दिला सके और सारे के सारे एकजुट होकर अपना मत का उपयोग करें और एक बेटर सरकार चुन सके। नागेश, हाँ भाई, आप रंगोली बना रहे हो। यस भाई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इधर मुख्य उद्देश्य है कि बिलासपुर ले 100% वोट,
वोट होना चाहिए। हाँ। तो क्या ये वोटिंग अवेयरनेस के लिए है? हाँ भाई। अब क्या बना हो? अच्छा, वोट का चिन्ह? यस भाई। अच्छा, ये वोटिंग डे कब है, कब वोट डालना है? 17 तारीख को। 17 तारीख को, 17 नवंबर को। हाँ भाई। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो छत्तीसगढ़ के अभी जो 18 वर्ष ऊपर युवा वर्ग है ना, उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे उसको वोटिंग के अवेयर करने के लिए? हाँ भाई, मैं उनको बोलना चाहूँगा सोच समझ के वोट दे, किसी को ऐसे ही वोट ना दे दे, किसी के बहकावे में ना जाए, किसी को पैसा लेके वोट ना दे, ठीक है जी। थोड़ा ध्यान दे कि आगे को सोच कर उसको वोट दे जो उसके लिए कुछ करे। अच्छा। उसको वोट ना दे जो भ्रष्टाचार करे, जो खाए पिए, जो अपने बारे में सोचे। अच्छा, तो जितने भी 18 वर्ष से अधिक युवा वर्ग है सभी को वोट देना चाहिए। हाँ भाई, इसीलिए आप रंगोली बना रहे हो? हाँ भाई। रंगोली बना के अवेयरनेस कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया सर। जल्दी बोल। गीता मैडम, आप बताइए अपने रंगोली का जो उद्देश्य है वो बताइए आप। मेरा रंगोली का उद्देश्य है कि हमारी जो जनता है उसे मैं निवेदन करती हूँ कि अपना सभी काम को छोड़कर मतदान करें और सभी मतदान जागरूक करें नागरिकों को। बहुत बढ़िया, मतदान करें। चलिए प्रभा मैम, आप बताइए अपने रंगोली के उद्देश्य बताइए। वोट छोड़ो, घर के सारे काम पहले करो मतदान। आप घर के सारे काम को छोड़कर पहले मतदान कीजिए। बहुत बढ़िया। जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। वेरी गुड। अब मैं कही सविता मैम, आप अपने रंगोली का कुछ उद्देश्य बताइए। जी, मैं अपने रंगोली में ये नारा लिखी मतदाता जागरूकता का, तो मैं उसको बोलना चाहूँगी जी। सब काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, ये है हमारे मैडम का। तो चलिए हम बात करते हैं ज्योति मैम से और जानेंगे कि यहाँ क्या करने हैं और क्या कर रहे हैं। ज्योति मैम, आपसे कुछ क्वेश्चन था, बताइएगा। आप यहाँ कहाँ हो आप, पहले ये बताइए। हम साइंस कॉलेज ग्राउंड में हैं, आज महारंगोली का आयोजन किया गया है मतदान के अवसर पर, तो हम रंगोली बना रहे हैं, देख सकते हैं हम मतदान करें कि रंगोली बनाए हैं। मतदान करें, अच्छा ये रंगोली किस वजह से हो रहा है कुछ बताइएगा। जी सर, हम सभी भारतवासियों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए महारंगोली का आयोजन किया गया है, ताकि सभी मतदान करें, अपने वोट का यूज़ करें और एक अच्छी सरकार बनाने में सभी मदद करें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बना है यार। लेकिन और यहाँ तो देखिएगा तो पूरा जहाँ भी ना आपकी नज़र जाएगी पूरे के पूरे सब के सब। बहुत बढ़िया, चलिए किसी और से बात करते हैं। ये है हमारे BTI का रंगोली। सविता मैम, आप बताइए, आप अपने रंगोली बनाने का मुख्य उद्देश्य आप बताइए। सर, मतदान जागरूकता दिवस है तो दिवस हम लोग मतदान जगाने के लिए रंगोली बनाया जा रहा है साइंस कॉलेज में। अच्छा जी। तो भारत देश महान है, करते सब मतदान है। भारत देश महान है, करते सब मतदान है। वोट फॉर छत्तीसगढ़। तो भैया देखो, हम यहाँ पास बैठ चुके हैं क्योंकि देखिए ये वी आकार का है, वहाँ ओ आकार का है, अलग अलग करके वोट मतलब अवेयरनेस के लिए किया गया। तो सीधे सीधे देखो, मानवकृत एक वोट का जो तो इसमें देखो, हमारा बैठने का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि वोट का पूरा स्लोगन लिखा गया है और लिख कर ऊपर जोन से देखा जाएगा कि आप कैसा कैसा मानवकृत जो लोग हैं। हाँ, पोस्ट है।